नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति हो रही वारदातों को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाकर जानकारी दी जा रही है। आप लोगों को बताते चलें कि फतेहपुर पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी कोतवाली थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक स्थानों पर जाकर माताओं और बहनों को जागरूक किया जाए। बता दें कि खागा कोतवाली से आज एसआई इस्तियाक हुसैन, कांस्टेबल श्यामानंद, कांस्टेबल पंकज, महिला कांस्टेबल सुकन्या और महिला कांस्टेबल अनामिका सिंह खागा नगर के सार्वजनिक स्थानों में जाकर माताओं और बहनों को जागरूक करते हुए कहा कि अगर कोई भी किसी तरह की बात आप लोगों को समझ में आती है जो आप लोगों के सम्मान के खिलाफ है तो तुरंत क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन फोन करें और 1090-1076 पर फोन कर अपनी समस्या को बताकर अपनी और अपने पड़ोसियों और सहेलियों की मदद करिए। इन 5 सदस्यीय टीम द्वारा दिए गए विचारों से बहुत लोग प्रभावित हुए। आइए सुने क्या कहा महिला कांस्टेबल सुकन्या ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। किसी भी थाने पर अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो